आज का मौसम ऐसा है और अभी हम हो गए हैं तैयार और अभी हम जा रहे हैं म्यूज़ियम एंड आर्ट गैलरी, जहाँ पे 2 से 4 में चंडीगढ़ फेस्टिवल हो रहा है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि वहाँ पे विंटेज कार एग्जीबिशन भी हो रहा है और वो मुझे बहुत पसंद है, विंटेज कार्स। तो लेट्स गो सी क्या क्या वहाँ पे दिखता है, क्या नहीं है, एंड लेट मी शो यू। सो या दिस इज द लुक, प्लाजो कुर्ता एंड ऊपर जैकेट क्योंकि थोड़ी ठंड है, एंड झुमका इन पाली झुमका। So this is the look. Let's go. तो वहाँ पे 2 पार्ट थे, एक म्यूज़ियम में हो रहा था वो विंटेज कार का था, और दूसरा था ये कार्निवल, जो कि इनकी कोई टिकट नहीं थी, बिल्कुल फ्री था। और मैं काफ़ी अर्ली पहुँच गई थी तो वहाँ पे ना भीड़ भी बहुत कम थी। वहाँ पे खाने के काफ़ी ऑप्शन थे, पर मुझे सबसे अच्छी लगी कुल्हड़ वाली चाय, जो कि काफ़ी ठीक तरीके से बना रहे थे वो। उसके अलावा वहाँ पॉपकॉर्न भी मिल रहे थे, वो भी काफ़ी सही थे। उसके अलावा काफ़ी गेम्स वगैरह थे बच्चों के लिए, शूटिंग वगैरह कि गन से शूट करो और जो जीतो वो ले जाओ। उसके अलावा रिंग वाले गेम थे, बच्चों के लिए काफ़ी ऑप्शन थे वहाँ पे, उन्होंने झूले वगैरह लगा रखे थे और वो सब था। तो उधर और उधर बच्चों के लिए ना गेम्स भी हो रहे थे बहुत सारे, कि म्यूजिकल चेयर वगैरह वगैरह, तो काफ़ी सही था अगर फैमिली गैदरिंग के हिसाब से आप जा रहे हो तो। उसके अलावा वहाँ पे काफ़ी अर्ली, मैं अर्ली पहुँच गई थी तो काफ़ी ना मतलब कम आर्टिस्ट लोग थे, और मैं वहाँ पे 1 घंटा आई थिंक घूमी होंगी। उसके बाद उन्होंने अपना आर्ट दिखाना स्टार्ट किया था, उससे पहले दे वर लाइक सिटिंग। और बाकी वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ थी वो थी कार, जो हैंडमेड थी, और इसमें ना अलग अलग से आयरन मैन, किसी पे क्रिसमस का डेकोरेशन था, किसी पे मिस्टर बीन थे, और किसी पे कुछ बना के लोग ना एकदम से भगा रहे थे, इन पे लोग बैठ रहे थे, और उसके अंदर कार जैसे उन्होंने बना रखा था, बट काफ़ी अनसेफ था, और उस पर लोग बैठ के एकदम ऐसे राउंड वगैरह ले रहे थे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, बट मुझे अनसेफ भी लगा ये काफ़ी। ग्राउंड के लेफ्ट साइड में गेम्स वगैरह और बच्चों के लिए थीम वगैरह वो सब थे, खिलौने वगैरह थे, और दूसरी तरफ हो रहा था कंपटीशन पेंटिंग बनाने का, और वहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग बनी हुई थी, बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग बनी हुई थी, और वो लोग ना काफ़ी इंजॉय करके भी बना रहे थे, तो मुझे भी देख के बहुत अच्छा लग रहा था। उसमें इन्होंने आई थिंक कुछ कंपटीशन रखा हुआ था, उसमें उनके विनर को कुछ प्राइज़ भी मिलने वाला था। पेंटिंग्स के काफ़ी बहुत ही प्यारी पेंटिंग्स बनाई थी लोगों ने, बहुत ही प्यारी पेंटिंग्स थी। पेंटिंग्स की साइड में ना बच्चों के लिए म्यूज़िकल चेयर वगैरह चल रहा था वहाँ पे, और उनको छोटे छोटे टॉफियाँ गिफ्ट वगैरह मिल रहे थे। उसके अलावा वहाँ पे काफ़ी ना छोटे छोटे वेंडर्स भी आए हुए थे, लाइक आपको फुलकारी के दुपट्टे मिल जाएंगे, आपको बच्चों के लिए कॉमिक बुक्स मिल जाएंगी, आपको मतलब जो आपको चाहिए वो मिल जाता वहाँ पे आराम से, सूट वगैरह जो भी आपको चाहिए। बट मुझे लगा थोड़े कॉस्टली थे, आई थिंक अगर नॉर्मली आप लेने जाओ तो उससे सस्ते पड़ते हैं, बट वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे बाकियों का नहीं पता। पेंटिंग्स वाकई काफ़ी रियल लग रही थी, लाइक बहुत ही बढ़िया पेंटिंग थी, और बहुत अच्छे अच्छे पेंटर्स भी वहाँ आए हुए थे। वहाँ पे ना अलग अलग वेंडर भी थे जो झुमके वगैरह बेच रहे थे, मुझे ये वाली आंटी काफ़ी कॉस्टली लगी। Thank you.
लिया, अब हम जा रहे हैं विंटेज में जो कि मेरा फेवरेट है, एंड इट्स लाइक दिस। यार एक से एक कार, बेस्ट पार्ट जो मेरे लिए था वो था विंटेज कार वाला, और बाकी सब भी बहुत काफ़ी अच्छा था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।